दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। अभी जिले में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है, वहीं ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है। नतीजन स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और कोविड वार्ड को फिर से सक्रिय करने को हलचल तेज कर दी गई है। दूसरी ओर टीकाकरण के अलावा कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कोविड टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे की आशंका के चलते स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से भी सार्वजनिक स्थानों पर आवश्यक सतर्कता बरतने की अपील की है। स्थानीय गांधी रोड स्थित श्री शनि मंदिर में अमावस्या के अवसर पर आज शनिवार 4 दिसंबर को शनि दर्शन, होम, हवन, पंचा आरती, पूजा, प्रसाद का आयोजन किया गया है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या के शुभ अवसर पर सुबह 6 बजे हवन किया जाएगा और शाम को आरती होगी। डाक सेवा के बारे में शिकायत करने के पश्चात 6 सप्ताह से अधिक समय तक जवाब नहीं मिलने पर उस शिकायत का निवारण करने के लिए बुधवार 15 दिसंबर को सुबह 12 बजे प्रधान अधीक्षक पोस्ट ऑफिस कार्यालय सिविल लाइन अकोला में डाक अदालत का आयोजन किया गया है। इस डाक अदालत में शिकायतकर्ता को उपस्थित रहने को कहा गया है। अकोला जिला नियोजन समिति के अध्यक्ष तथा पालक मंत्री ओम प्रकाश कड़ू जी ने अकोला जिला परिषद की सर्वसाधारण सभा में मंजूर विकास कामों की सूची में गलत तरीके से बदलाव कर तथा अपने निजी लेटर हेड पर शासन निर्णय के निर्देशों का उल्लंघन कर नए विकास कामों को DPDC अध्यक्ष के नाते मंजूरी देकर अपराध किया, ऐसा आरोप अकोला वंचित बहुजन आघाड़ी ने लगाया है। 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में अकोला महानगर पालिका समग्र शिक्षा की ओर से समता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत छात्रों की विविध स्पर्धाओं का आयोजन कर सप्ताह की शुरुआत की गई। कोविड नियमों का कड़ाई से पालन कर छात्राओं ने स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर शिक्षाधिकारी तथा समग्र शिक्षा के प्रशासन अधिकारी प्रदीप चौरे उपस्थित थे। युवा कार्यक्रम व क्रीड़ा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में ग्रामीण क्षेत्रों में युवा कल्याण, सामाजिक व ग्रामीण विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवा संस्थाओं के लिए जिले के युवा मंडलों को जिला युवा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसके लिए आगामी 20 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, ऐसी जानकारी जिला युवा अधिकारी महेश सिंह शेखावत ने दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट से शुक्रवार को पूर्व सांसद आनंद राव अड़सुल को झटका लगा। सिटी कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी शिवसेना नेता अड़सुल को अग्रिम जमानत देने से अदालत ने इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया इस मामले में अड़सुल की भूमिका नजर आ रही है। शहरों में पैदा होने वाले कचरे को प्राचीन जलाशय, तालाबों और कुओं में नहीं फेंका जा सकेगा। शुक्रवार को प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। प्राचीन जलाशय, तालाबों और कुओं का स्थानीय निकायों को उचित प्रबंधन तथा संरक्षण और संवर्धन करना होगा, साथ ही आवश्यक स्थल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में देश के कृषि विश्वविद्यालयों की मानांकन सूची घोषित की है, जिसमें डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2019 की सूची में विश्वविद्यालय 38वें नंबर पर था। अकोला के रेल यात्रियों को विशेष सूचना। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से किए जा रहे तकनीकी कार्यों के चलते अकोला रेलवे स्थानक से होकर चलने वाली अनेक ट्रेनों को निरस्त रखने का निर्णय लिया गया है। यात्री कृपया ट्रेनों का समय देखकर ही यात्रा की योजना करें। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।